अब मैं कह रहा हूं ये 438 व्यक्ति के पास, 4 राहु का है, 3 गुरु का है, 8 शनि का है, इनके पास काम करने का जुनून होता है, इनके पास तिकड़मबाजी की नीति होती है, ये अपने काम को निकालने में सक्षम होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। अगर किसी राजनीतिज्ञ के पास 438 है तो बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचता है। हम 438 से ये देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कैश का फ्लो अच्छा होता है, सेविंग होती है, पैसा सेफ रहता है, ऐसे व्यक्ति का ईगो नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करने वाले होते हैं, सेवक होती हैं, और ये मजदूरों की सेवा करता है, ईगो मेहनती बहुत होता है ऐसा इंसान। मेहनत कहां से देखते हैं? 8 नंबर। काम के प्रति जागरूकता कहां से देखते हैं? 3 नंबर से। और 4 नंबर से क्या होते हैं? जुनून देखते हैं। हमने ये देखा। 5 नंबर ना होना इस व्यक्ति का कंफ्यूजन साबित करता है, और 2 नंबर चंद्रमा का ना होना और 7 नंबर परिवार का ना होना, केतु का ना होना, ये संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जिसका 2 नंबर खराब हो जाता है, 5 नंबर नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ खराब होती है। तो जब हमने देखा इनकी, हमने ड्राइवर 8 और कंडक्टर 6, हमने ड्राइवर और कंडक्टर 8 और 6 देखा, 60% बेस्ट है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी पत्नी का देहांत हो गया, तलाक में देहांत हो गया, अब ये दूसरी शादी करने को उसमें है। अगर अब दूसरी का भी मिलान मेरे पास है, लेकिन चलो मैं तो जब दूसरी शादी की इनकी इच्छा होगी, अगर उस लड़की के पास 5 और 2 नंबर होगा तो उसका, इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर 5 और 2 नंबर नहीं होंगे तो जीवन अच्छा चलने में परेशानी आएगी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, ये हमने कुंडली आपको दिखा दी। मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जब आप सबका मूड हो युक्ति की क्लास और पढ़ना। युक्ति की क्लास हमारी, मेघा तनु जी आपने पढ़ रखी है युक्ति की क्लास? युक्ति की क्लास पढ़ रखी है तनु जी? जी सर जी। कैसी थी क्लास युक्ति की? सर बहुत अच्छा, बहुत ही बारीकी से उसमें पता लगा था हमें कॉम्बिनेशन का। तो ये मैं उन आप पुराने व्यक्तियों को कहूंगा कि युक्ति की क्लास जरूर पढ़ना, इच्छा हो तो, जबरदस्ती नहीं करूंगा लेकिन आपकी इच्छा हो। जब भी आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आप छोड़ देंगे तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। अब इसके बाद मैंने क्या देखता हूं, ये हमने कर दिया, ये 60% इनकी डस्टिंग है, मतलब जीवन में अपने काम में ऊंचाई में पहुंचेंगे। और फिर ये क्या बोलते हैं, विदेश गए, विदेश जाने के बाद ये अच्छे सेटल हो गए, अब दूसरी शादी की बातें चल रही है। अभी मैंने इंद्र का पूजन भी करवाया था उज्जैन में, और ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूं, कुंडली क्या देख रहा हूं, इनकी कुंडली के अंदर तुला लग्न की कुंडली है, वरक राशि है, दोनों के स्वामी शुक्र है, और इनका जो सप्तम भाव है उसका स्वामी मंगल है, और मंगल अपनी राशि का होके अपने से 8 में बैठा है। जब कोई ग्रह अपने से 8 में पहुंच जाता है तो उस स्थान का नुकसान होता है, 8 जाता है तो उस स्थान का नुकसान होता है। आठवां सप्तम का मालिक कौन? मंगल, और मंगल 8 में बैठ गया तो इस कारण से इनकी शादी के बंधनों में परेशानी आई और इनकी पत्नी का ध्यान। उधर शनि की 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पे पड़ती है, मंगल राशि पे पड़ती है, तो शनि और मंगल का आपस में बैर है, तो इस कारण से भी इनको पत्नी का सुख नहीं मिल पाया और इनकी पत्नी के साथ मतलब देहांत हो गया। अब बात आती है घूम के कि ये किस नेचर के, शनि उच्च का होके लगन में बैठा है तो इन व्यक्ति का संसार में एक नाम है। आज अपना इंग्लैंड में, युगांडा में है, और वहां पे बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बड़ा अच्छा ऊंचा स्थान है, और पैसे की और समाज में कोई कमी नहीं इनके पास।
केतु राहु अष्टम में बैठ के कहीं ना कहीं पेट की परेशानी देता है। राहु चंद्रमा एक साथ होने से ग्रहण दोष बनता है, माता के साथ संबंध विच्छेद रहते हैं। सूर्य पंचम स्थान पे होके ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी चतुर होती है, बुद्धि चतुर होती है, विख्यात होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे अपने कामों को निकालने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति पे कालश्रव दोष भी है, आंशिक कालश्रव। आंशिक कालश्रव दोष होने के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है। उसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, शादी नहीं, पत्नी का देहांत हो गया, दूसरी शादी अभी हो नहीं रही। तो देखिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्हें ये परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैंने क्या बताया, गुरु तीसरे स्थान में बैठा है, ज्ञान का बहुत भला व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय। अब मैंने जो इनके बताया, इन पे दशा किसकी चल रही है, जो मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, इन पे दशा चल रही है राहु की। राहु अष्टम में बैठा है और तुला लग्न में अष्टम में बैठा हुआ राहु कोई भी हो वो कष्टकारी होता है। और राहु की महादशा इनके खत्म होने में अभी 2 साल है, तो जिस कारण से इनकी राहु की महादशा में सारी समस्या आई और अब इन पे गुरु की महादशा आने वाली है 2023 से, और गुरु इनका अपने घर पे बैठा है, तो इनकी आने वाले समय में गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु की महादशा इनके शादी की तरफ संकेत कर रही है और आने वाले लगभग 6 महीने में इनकी शादी हो सकती है, जो मैंने कुंडली देख के बताई। और ये जीवन के उस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे और सफल हो जाएंगे। और राहु की महादशा में, जब राहु की महादशा चल रही थी, राहु में शुक्र थे, 17 से 20 के बीच में इनकी पत्नी का देहांत हुआ। ऐसे बात पकड़ने में आती है, देखिए राहु की महादशा जब जब व्यक्ति के ऊपर आती है वो परिवार में विघटन ला देती है, या तो पत्नी पत्नी को अलग कर देती है, तलाक की स्थिति आ जाती है, या मृत्यु की स्थिति आ जाती है, या किसी भी कारण से विवाद होके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राहु कितना भी अच्छा हो व्यक्ति का, राहु जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इन तीनों चीजों में से कोई ना कोई समस्या एक पैदा करता है। तो राहु की महादशा इनकी अच्छी नहीं है, और मैं इनकी कुंडली देखने के बाद मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने इन्हें सजेशन किया, मैंने इन्हें नीलम पहनने का भी सजेशन दिया, क्योंकि पंचम का भी मालिक और लगन का ही मालिक शनि है, और शनि अपने लगन में ही बैठा है, तो ये व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं चुनाव जैसी स्थिति का भी सामना करके किसी ऊंचे पद पे ही पहुंचेंगे। और चंद्रमा चंद्र राशि से लगन में होने के कारण, शनि छठे भाव में होने के कारण इनके शत्रु बहुत होंगे, लेकिन सबके सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले तो आप ये बताइए कि ये कुंडली देखने का जो तरीका हमने चालू कर रहे हैं कैसा लग रहा है? देखिए, आपकी भावनाओं से मेरी भावना है, अगर आपकी भावनाएं प्रबल हैं तो मेरी भावनाएं आपसे ज्यादा प्रबल। अगर ये आपको तरीका, प्रियंका जी आप बोलिए, थोड़ा सा आप थोड़े मुझे पुराने बहुत भी अच्छा हैं लग रहा और है गुरु जी। आज इस ढंग से आपने देखा राहु की परेशानी आने पे। प्रियंका जी मैंने क्या बताया, राहु क्या कर देता है आप सोच सकते हो। राहु राहु अच्छे उल्टा भले, पलटा कर देता है सब कुछ राहु अच्छे भले परिवार को नाश कर देता। एकदम। तो हाँ, तो और बताइए जसवीर जी, आपके क्या विचार हैं, थोड़े से विचार दीजिए हम मैं अभी जिससे सुन रहा सर, आगे। बहुत अच्छे से लग रहा है, हाँ एनालिसिस हो रहा है किस तरह से वो सब कर रहे, रिसर्च हो रहा है सर इससे। हाँ इससे रिसर्च हो रहा है ना, तो प्रियंका जी ने बताया ये। अच्छा उमा प्रणाम शंकर सर, जी, हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम। प्रणाम। ये कुंडली देख के कैसा लगा, बताने अच्छा का तरीके लगा। से कुछ समझ में आया? हाँ, हाँ इसमें हमारी जो क्या, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा होता है, सारी चीजों को समझ ज्यादा अच्छा होता है। हाँ तो अब मैं डेली प्रैक्टिकल करवाया करूंगा, शाम के एक वीडियो बन जाया करेगी और आप लोग थोड़ा इसमें सहयोग करें, ठीक है? हाँ गुरु चलो। जी।